नमस्कार दोस्तों, करियर क्रिप चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से जो जॉब वैकेंसी निकल कर आई है NFC नेशनल फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से जो जॉब वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देखने वाले। तो इसके लिए देखिए, जो भी ITI पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए जॉब वैकेंसी निकल कर आई है। 206 पदों की ये भर्ती होने वाली है। इसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है और इसके लिए ना ही आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। सभी इसका जो फॉर्म है एकदम फ्री भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से ट्रेड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फुल डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अप्लाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है, परमाणु डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। और ये जो जॉब वैकेंसी रहने वाली है आपकी, ये देखिए यहाँ पर इसका जो लोकेशन दिया है आपका, जब भी आपका सिलेक्शन होगा और पोस्टिंग होगी तो आपकी जो जॉब वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में आपकी ये रहने वाली है। ECIL की तरफ से जॉब वैकेंसी मतलब पोस्ट रहने वाली है। और देखिए यहाँ पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया है और ईमेल आईडी भी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर ये दिया हुआ है। और आपको अप्लाई करने के लिए देखिए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर दिया है। तो आपको अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले NAPS मतलब जो भी आपका नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल सर्विस है वहाँ पे आपको मतलब वो पोर्टल पे जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दिया है उन्होंने ये सर्च करना है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स आपको वहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स की कितनी वैकेंसी हो, हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिया है फिटर की। तो फिटर की यहाँ पर 42 वैकेंसी है फिटर की। उसके बाद टर्नर है, तो टर्नर की है यहाँ पर 32 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की यहाँ पर 6 वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 15 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 16 है, उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर की 8 वैकेंसी है, उसके बाद अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की 15 वैकेंसी है, उसके बाद केमिकल प्लांट ऑपरेटर की 14 वैकेंसी है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 7 वैकेंसी है, उसके बाद देखिए मोटर मैकेनिक की 3 वैकेंसी है, और देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर की यहाँ पर इंग्लिश की है 2 वैकेंसी है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब कोपा की यहाँ पर 16 वैकेंसी है, और वेल्डर की भी 16 है, उसके बाद बढ़ाई कारपेंटर की 6 वैकेंसी, और प्लम्बर की यहाँ पर 4 वैकेंसी, मतलब टोटल मिला के 206 वैकेंसी की है भर्ती निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेड है मतलब यहाँ पर मोटर मैकेनिक तक जो भी ट्रेड है इनका जो स्टाइपन रहने वाला है वो 8050 आपका स्टाइपन रहने वाला है। और जो यहाँ से देखिए स्टेनोग्राफर से नीचे जो पोस्ट है इनके लिए जो पेमेंट रहने वाला है वो 7700 यहाँ पर पेमेंट रहने वाला है। और इसके लिए देखिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाला है, तो देखिए यहाँ पर संबंधित ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए, 10वीं पास और ITI आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया दी है, तो आपको किस तरह से आवेदन करना है, तो यहाँ पर देखिए उम्मीदवार को जो है आपको इसके जो NPS पोर्टल है उस पर जाके आपको ये एस्टेब्लिशमेंट नंबर सर्च करना है, और उसके माध्यम से आपको ये मतलब अप्रेंटिस पोर्टल से आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई किस तरह से करना है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30/9/2023 है, मतलब लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहने वाली है। तो जल्द से जल्द इसके लिए आप अप्लाई कर दो। उसके बाद देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका, वो आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो जो NICE की चयन समिति आवेदन की जांच करने के बाद आपका जो भी आपका आपके मार्क्स मतलब जो मेरिट लिस्ट रहेगा उससे आपके सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण आपका जो ट्रेनिंग है आपका जो अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है उनको जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तो उनको आपको मेल आएगा, मेल के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस का जो कॉल लेटर है आपको मेल पे आएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपको एज लिमिट दिया है, तो एज लिमिट आपको कम से कम मतलब जो मिनिमम एज है आपका 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 18 ईयर एज होना चाहिए और आपका रिलेवेंट ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। तो देखिए ये डिटेल में नोटिफिकेशन दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जब बुलाया जाएगा तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है अप्रेंटिस पोर्टल पर, यहाँ पर लिंक दिया है, यहाँ पर जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखिए जो भी आपका पासवर्ड ID रहेगा इसको आपको मतलब तैयार करना है जो भी आपका रहेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सर्च इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आपको सर्च करना है और जो भी आपको दिया है वो आप यहाँ पर सर्च कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, ये आएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए और इसको लिए अप्लाई कीजिए। और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।